नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी F41 के नए नए फीचर के बारे में। जी दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाई थी कि सैमसंग गैलेक्सी F41 है, नए नए अपडेट आ चुके हैं। तो दोस्तों, उनमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है और वो अपडेट कितने MB का है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी, पर दोस्तों मैंने वो अपडेट आज अपने फ़ोन में कर लिया है और उसमें देखा कि मैंने उस अपडेट में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये अपडेट करने के बाद हमारे फ़ोन में क्या क्या फीचर ऐड हुए हैं, कौन से वो फीचर हैं जो हमारे फ़ोन में नए आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस अपडेट में हमें कौन से फीचर हैं जो हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं और क्या क्या दोस्तों नए नए फीचर हमारे फ़ोन में आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी F41 के नए फीचर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, पहले फीचर की बात करें तो देखिए, जब जैसे ही आप दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन बार लगा लोगे तो दोस्तों देखिए, ये कुछ अलग तरीके का दिखेगा आपको। देखिए, पहले से इसका जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो चुका है, जैसे दोस्तों आईफोन में आता है उस तरीके से आपको दिखेगा। और दोस्तों, इसके जो बैकग्राउंड में आपको जो वॉलपेपर लगा हुआ है वो ब्लर होकर दिखेगा। ये देखिए, इससे पहले दोस्तों वाइट कलर का आता था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जिसमें सैमसंग का दूसरा डिवाइस है जिसमें मैंने अपडेट नहीं किया है, क्योंकि इसमें दोस्तों अभी अपडेट आया नहीं है। इसमें आप देखिए कि इसमें पूरा जो बैक है वो वाइट आता है, बट इसमें दोस्तों ये वॉल पेपर लगा हुआ है वो ब्लर होकर दिख रहा है। तो उसमें दोस्तों जो एक नया अपडेट आया है, अपडेट के बाद दोस्तों नया फीचर एड हुआ है। अगले फीचर की बात करें दोस्तों, तो वो देखिए ये आता है कि इसमें दोस्तों जो साइड से ये कॉर्नर है दोस्तों, देखिए जे इसमें सिस्टम मेड हो चुका है, जो एक नया फंक्शन है जो हमें सैमसंग के फ्लैगशिप फोनों में देखने को मिलता है, जो इस फोन में अपडेट के बाद आ चुका है, जिसमें दोस्तों आप अपने हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो, यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो और इस वाले फीचर का फ़ायदा उठा सकते हो, जो कि दोस्तों सैमसंग के गैलेक्सी F41 में आ चुका है अपडेट को करने के बाद। अब दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो दोस्तों ये देखिए, डायल में आता है, जो हमारा फ़ोन डायल करने का सिस्टम होता है इसके अंदर आता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पुराना वाला, जो हमारा पहले वाला है। इसमें दोस्तों देखिए, इस तरीके से कुछ डायलर आता है अंदर से, बट दोस्तों अभी आप देखोगे तो दोस्तों देखिए, इसमें इस तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि इसमें सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। जो पुराना वाला है इस तरीके से आता दोस्तों सैमसंग में, अभी एंड्रॉयड 11 में दोस्तों इस तरीके से आने लगा है। तो दोस्तों जो एक तरीका चेंज हुआ है इस फ़ोन में। दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो मैं आपको ले चलता हूँ सेटिंग के अंदर। ये देखिए दोस्तों, सेटिंग में जैसे ही आप आओगे तो इसके दोस्तों जो आइकॉन है, ये देखिए पुराना वाला जो है, जो दोस्तों इसके आइकॉन है वो पहले इस तरीके आते थे, बट अपडेट के बाद दोस्तों इस तरीके के हो गए हैं। और दोस्तों इसके जो अल्फाबेट हैं वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छे, पहले से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। दोस्तों ये जो कुछ ऐसे फीचर हैं जो गैलेक्सी F41 में अपडेट के बाद आए हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसे फीचर के बारे में बताऊँगा जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जो कि दोस्तों हमें सैमसंग के काफ़ी डिवाइस में देखने को नहीं मिलता, बट दोस्तों अभी इस अपडेट में हमें देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों बात करते हैं और फीचर के बारे में। आपने देखा होगा कि हमारे दोस्तों जो नोटिफिकेशन बार होता है, जैसे हमारे फ़ोनों की नोटिफिकेशन आती है, तो दोस्तों उसमें आप लाइट इफेक्ट लगा सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, आप इसमें जाओगे नोटिफिकेशन बार में, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला ब्रीफ पॉपअप सेटिंग का, इसमें दोस्तों ये नया फीचर दोस्तों ऐड हुआ है, जो इससे पहले दोस्तों ये फीचर नहीं था। जैसे दोस्तों आप इसके अंदर जाओगे तो दोस्तों देखिए, एज लाइटिंग स्टाइल, ये दोस्तों जब भी हमारे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आएगा, हमारा फ़ोन साइलेंट पर होगा यानी कि लाइट ऑफ होगी इसकी, तो हमारे फ़ोन पर जब भी कोई मैसेज आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, तो वो लाइट के तरीके से दिखेगा दोस्तों, इस तरीके से। अभी दोस्तों देखिए, जैसे मान के चलो ये मेरे फोन में मैसेज आया है, कोई मैसेज हो, तो इसमें मैंने अभी कोई भी इफेक्ट नहीं लगाया, ये नन है। अभी दोस्तों मैं इसमें कोई भी इफेक्ट लगाता हूँ, जैसे बबल वाला, तो दोस्तों देखिए इस तरीके से ये बबल आएंगे इसके नीचे, मैसेज के नीचे। आप इसमें हार्ट वाला लगाओगे तो दोस्तों इस तरीके से हार्ट आएंगे, ये देखिए। ऐसे दोस्तों आप इसमें कई सारे ये फॉन्ट लगा सकते हो, जो कि दोस्तों नया फीचर ऐड हुआ है। अगले फीचर दोस्तों बात करें तो दोस्तों जो है, जो दोस्तों जो होता है हमारा ऐप डोर, इसके अंदर
जैसे दोस्तों आप इसमें ऐप ड्रॉ यूज करोगे, ओपन करोगे, तो दोस्तों हमारा जो वॉलपेपर है वो एकदम ब्लर हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो बैकग्राउंड में हमारा जो वॉलपेपर है एकदम ब्लर है। पर दोस्तों इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले दोस्तों क्या होता था कि जैसे ही हम अपने फ़ोन में ऐप ड्रॉ यूज करते थे, ये देखिए, तो हमारा जो वॉलपेपर स्क्रीन वाला वो हमें हल्का हल्का दिखता था। आप देख सकते हो पीछे दिख रहा होगा हल्का हल्का आपको, देखिए ये देखिए। बट दोस्तों इसमें क्या है, अभी जब ब्लर होकर दिख रहा है तो इससे हमारे जो एप्लीकेशन के आइकन हैं वो काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं। तो ये नया फीचर ऐड हुआ है जिससे हमारा फ़ोन देखने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं आपसे एक ऐसे फीचर की जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। तो दोस्तों वो ये फीचर है कि हमारे दोस्तों जो बटन होते हैं बैक करने वाले और मेन मेनू वाला, और दोस्तों जे वाला बटन, तो दोस्तों इसमें हमें वाइब्रेशन नहीं मिलता था। पहले सैमसंग के काफ़ी डिवाइस हैं जिसमें हमें हैप्पी फीडबैक देखने को नहीं मिलता है। जो हमें दोस्तों रेडमी के फ़ोन में देखने को मिलता है वो हमें सैमसंग में देखने को नहीं मिलता था सस्ते फ़ोनों में। वो ये फीचर सिर्फ हमें दोस्तों महंगे फ़ोन में देखने को मिलता था। बट दोस्तों इस अपडेट के बाद हमें इस फ़ोन में हैप्पी फीडबैक देखने को मिलता है। यानी दोस्तों जैसे ही आप इन बटनों का यूज़ करते हो बैक करने के लिए या मेन मेनू आने के लिए, तो इसमें एक दोस्तों वाइब्रेशन फील होता है, झंझनाहट फील होती है जो आपको यूज करते टाइम महसूस होगी। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो अभी इस अपडेट के बाद इस फ़ोन में ऐड हुआ है। तो दोस्तों यही थे वो फीचर जो मैंने आपको बताए हैं, जो दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। और मुझे इन सब में सबसे ज़्यादा दोस्तों दो फीचर अच्छे लगे, एक तो ये हैप्पी फीडबैक वाला, और दोस्तों दूसरा ये जो साइड से दोस्तों हम इसमें एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, ये देखिए। अभी दोस्तों इतना नया नहीं है, कैसे यूज करते हैं इनको, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने ज़्यादा यूज नहीं किया है तो इसमें अंदाजा नहीं हो रहा है कैसे इनको निकालते हैं जी वाला। तो दोस्तों ये दो फीचर हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे इस अपडेट को करने के बाद सैमसंग गलेक्सी F41 में। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको अपडेट करने के बाद सबसे ज़्यादा फीचर कौन से देखने को मिले, और अपडेट करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों यही थे वो फीचर जिनके बारे में आपसे बात कर रहा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।